आज हम लोग दिखाएंगे आप लोग वो तीनों अलग अलग एज का आदमी, इन लोगों का सर्विकल का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये मान लीजिए आपका इसमें क्या लगता है, इसका उम्र कितना हो सकता है, 30 से 35 साल, इनकी उम्र कम से कम 70 के आप और इनकी उम्र कम से कम 40 से 50 के नज़दीक। ये तीनों उम्र में इन लोगों का सर्विकल में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। सर्विकल बोलते हैं कौन जगह को, सर्विकल बोलते हैं पहले जो हमारा वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा मतलब स्पाइनल कॉर्ड का छोटा छोटा जो हड्डी होते हैं, ये हमारा सर का पीछे का जो हड्डी है इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। ये ऑक्सीपिटल के नीच से हमारा C1 सर्विकल 1, देन सर्विकल 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 को वर्टिब्रा लेके हमारा सर्विकल स्पाइन गठित होते हैं। ये सर्विकल स्पाइन का अगर कुछ प्रॉब्लम हो, मान लीजिए ये स्पाइन का वर्टिब्रा का डिफॉर्मेशन हो, हड्डी का थोड़ा सा चेंज हो, तो हम लोगों का कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा। क्या दिक्कत आ सकते हैं, ये घुमाने में काबिल नहीं रहेंगे, ये इसका कोई दर्द आ जाएगा, कोई बाइटिंग पेन इसका शोल्डर हो के हाथ तक चल सकते हैं, ऐसे बहुत वगैरह इसका प्रॉब्लम हो सकता है। आज मान लीजिए हम लोग डिफॉर्मेशन ऑफ स्पाइन, डीजेनरेटिव चेंजेस ऑफ बोन्स के ऊपर ये दिखाने जा रहा है। बोन्स का डीजेनरेटिव चेंज हो, ये कैल्शियम डिफिशियंसी, ये विटामिन का डिफिशियंसी से हो सकते हैं, इसका पोस्चर के लिए हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल के ऊपर भी हो सकते हैं। तो इनका उम्र में मसल का स्ट्रेंथ है ज्यादा, इनका थोड़ा कमती होगा, इनका मसल का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम गया तो इनका ज़्यादा होगा, इनका मसल का स्ट्रेंथ मिडिल ऑर्डर में। तो हम लोग जो एक्सरसाइज आज शेयर करेंगे, ये एक्सरसाइज सभी है मूवमेंट एक्सरसाइज एंड पेन रिलीफ एंड मसल स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज ये तीनों दिखाएंगे आपको, ये तीनों का एक्सरसाइज कैसा कैसा होता है, तीनों डिफरेंट उम्र के आदमी हैं। पहले आप शुरू कीजिए पहला वाला एक्सरसाइज, ये देखिए हाथ को शोल्डर जॉइंट के तरफ ले लिया, उसके बाद उसको घुमाने लग गए, वो घुमाते हैं हाथ घुमाते हैं, मगर ये सब मसल देखिए इसका कुछ का फ्लेक्शन होता है, किसका एक्सटेंशन होता है। हर एक्सरसाइज कोई मसल का फ्लेक्शन और कोई मसल का एक्सटेंशन में ही होगा। ये देखिए दोनों तरफ से एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक घुमाने दिखा दिए, अब रुक जाइए आप कीजिए ये एक्सरसाइज। देखिए उनका घुमाने का जितना तरीका था, उनका जितना सर्कल था, इनका सर्कल थोड़ा कमती हो गया। क्यों कमती हो गया, ना मसल का स्ट्रेचिंग इनका थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है आप रुक जाइए आप कीजिए एक्सरसाइज। ये देखिए ये भी धीरे धीरे घुमाते हैं, इसका भी मसल का स्ट्रेचिंग आते हैं, कोई टाइम फ्लेक्शन आते हैं, एक बार स्ट्रेचिंग एक बार फ्लेक्शन, हर मसल का फ्लेक्शन एक्सटेंशन के ऊपर हर एक्सरसाइज होते हैं। ये एक्सरसाइज हम कब करेंगे, ना जब हमारा गर्दन में दर्द होगा, बाइटिंग पेन, मगर दर्द ऐसा धीरे धीरे चलता ही रहेगा हर दिन, तब हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज अगर दिन में हम लोग 50 टाइम्स करेंगे, 10 10 10 10 करके, तो हम लोगों का फायदा मिलेगा। और इससे और एक फायदा मिलेगा, जो शोल्डर जॉइंट का ब्लॉक होने का चांस नहीं हो। हम लोग देखते हैं बहुत सारी आदमी शोल्डर जॉइंट से हाथ ऊपर उठाने नहीं सकते, इसको हम एक बात में फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, उसमें भी ये एक्सरसाइज काम में आ जाएगा। ठीक है छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, दूसरा पीछे वाला एक्सरसाइज। ये देखिए ये शोल्डर को धीरे 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 शोल्डर लेवल बराबर मसल का पूरा स्ट्रेच कर दिया। ये कौन कौन सा मसल का स्ट्रेच किया, ये डेल्टॉइड, ट्राइसेप, बाइसेप, कार्पी रेडियालिस, अनलारिस, पामारिस, बहुत सारी मसल का। और ये फिंगर्स का भी स्ट्रेचिंग हो, ये फिंगर्स में कौन कौन मसल रहते हैं, जो छोटा छोटा मसल, ये छोटा छोटा बेबीज मसल का भी पूरा स्ट्रेचिंग आ जाता है। फिर से इसको पीछे ले आइए, ये जो दोनों हाथ पीछे चलाएं,
तब क्या होता है, ये ट्रेपीजियस का फ्लेक्शन होता है और फेस का ये मसल का एक्सटेंशन आ जाता है और पीछे वाला सभी मसल का फ्लेक्शन आते है। मगर हाथ का जो मसल्स है इसका स्ट्रेंशन स्ट्रेचिंग एंड इसका स्ट्रेंथनिंग भी होते हैं। अब छोड़ दीजिए, आप कीजिए एक्सरसाइज, आपको कैसे लगता है। इनका देखिए, इन्होंने भी पूरा स्ट्रेच कर, हम लोग देखते हैं इनका मसल पूरा स्ट्रेच हो गया, मगर इनका हाथ का टेंशन इनसे थोड़ा कमती हो गया। क्यों? इनका मसल का एक्सटेंशन उतना होता नहीं। आप धीरे धीरे पीछे लेके आइए, देखिए पीछे भी लेके आए, मगर ये जो एल्बोज ये बॉडी से थोड़ा सा अलग हो, इनका बॉडी के साथ एल्बो थे। क्यों? इनका फ्लेक्सिबिलिटी मसल का थोड़ा कमती हो गया। इधर अगर मसल फ्लेक्शन नहीं होगा तो एल्बो एकदम बॉडी के साथ फिक्स नहीं होगा। ठीक है, छोड़ दीजिए, आप कीजिए एक्सरसाइज। देखिए इनका भी पूरा मसल स्ट्रेचिंग एकदम, देखिए ये सर्विकल से शोल्डर आउट ज़्यादा आ गया, क्योंकि इसका मसल का स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो गया। ये ट्रेपीजियस का स्ट्रेचिंग पूरा कर लिया, इसके साथ डेल्टॉइड इसको साथ दिया, ट्राइसेप साथ दिया, बाइसेप साथ दिया, इसलिए इधर से देखिए ये थोड़ा राउंड हो गया। ये धीरे धीरे पीछे लेके आइए, देखिए एल्बो की तरफ ध्यान दीजिए। ये देखिए एल्बो इसका बॉडी के साथ फिक्स्ड हो गया। क्यों? नहीं, ये इसका जो बैक वाला मसल है वो सब फ्लेक्स हो जाती है, अच्छा से फ्लेक्स हो जाते हैं, इसलिए इसका एल्बो एकदम बॉडी के साथ टच हो जाता है। तो नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज कीजिए, ये देखिए ये नेक को धीरे धीरे पीछे में बेंड करने जा रहा है। नेक को पीछे में बेंड करने से फायदा क्या? नेक को धीरे धीरे पीछे में बेंड करने से ये कैपिटिस ग्रुप ऑफ मसल का फ्लेक्शन होते हैं। ये कैपिटिस ग्रुप ऑफ मसल में सबसे बड़ा है रेक्टस कैपिटिस लॉन्गस, रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर, कैपिटिस लॉन्गस एंड कटिस्मा। कटिस्मा अपर सर्फेस का मसल होते हैं, उसके साथ ट्रेपीजियस, उसके साथ लैटिस्मा स्टोर्सी, उसके साथ लेवेटस कैपुली, ये सब वगैरह मसल का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होते हैं। हाथ से ये अगर उसको उठाते हैं, इसलिए जो एल्बो से ये शोल्डर जॉइंट से प्रेशर डालना पड़ते हैं, इसलिए ये सब मसल का स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ जाते हैं। मान लीजिए अगर सर्विकल का कारण से हाथ में थोड़ा सा भी दर्द आया, हाथ का मसल थोड़ा सा भी वीक हो गया, तो एक्सरसाइज करने में इन लोगों को फायदा मिलेगा। आप कीजिए एक्सरसाइज, ठीक से आप छोड़ दीजिए, देखिए इनका भी क्या क्या होते हैं। एक ही एक्सरसाइज तीनों में, देखिए इनका उतना पीछे जाते नहीं। क्यों जाते नहीं? ये कैपिटिस ग्रुप ऑफ मसल का फ्लेक्शन इनका थोड़ा कमती हो गया। ये हाथ में भी ज़्यादा इनका स्ट्रेन नहीं आते। क्यों? ये डेल्टॉइड एक बाइसेप ट्राइसेप मसल का स्ट्रेंथनिंग थोड़ा कमती हो गया। छोड़ दीजिए, आप कीजिए फिर से। ये देखिए इन्होंने धीरे 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 नेक को पीछे ले लिया, इनका नेक इतना तक नहीं आई, मगर इसका आ गया। इसका भी जो कैपिटिस ग्रुप ऑफ मसल एंड ऑल मसल, ये इसका फ्लेक्शन ठीक है, इनका जो ये हाथ का मसल इनका स्ट्रेंथ भी ठीक है, इसलिए ये इसका आ जाते हैं। तो तीनों एजों में फर्क होना यही एकदम सच कहानी है। तो छोड़ दीजिए अब, और तीनों एज में तब हम लोग यहाँ से दिखाते हैं, ये हमारा एज अगर बढ़े, हम अगर ठीक से एक्सरसाइज करें तो हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन मसल का रह जाएगा, और मसल का अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन स्ट्रेंथनिंग ठीक से रहेगा तो बोन्स ये जो हड्डी का चेंज नहीं हो पाएगा। हड्डी का चेंज ज़्यादा नहीं होगा तब हमारा दर्द नहीं बढ़ेगा। ये ऑल द प्रॉब्लम्स आर द प्रोटेक्टेबल प्रॉब्लम, दिस इज नॉट द क्योरेबल प्रॉब्लम। सो दैट If we develop our strength of our muscle, then we can protect this problem. Protect कर सकते हैं जितना तक उसका degenerative change हो। ये protection अगर हम देंगे किसके ऊपर देंगे? सिर्फ exercise के ऊपर। हम लोग कोई कोई time इसको electrotherapy में transfer करते हैं। क्यों ना, electrotherapy से हमारा pain reduce हो जाता है। मगर physiotherapy में पहले अगर हम exercise से ये का remedy करें तो वो इलेक्ट्रोथेरापी का इंस्ट्रूमेंट्स हमको नहीं लगेगा। और एक्सरसाइज हम कोई भी पंथ में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, सोने के टाइम कर सकते हैं, बैठने के टाइम कर सकते हैं, या नेक का एक्सरसाइज आइए,
जिसका खाने के साथ कोई संबंध नहीं है। सिर्फ ये एक्सरसाइज करने का जो ढंग है, एक्सरसाइज करने का जो तरीका है, उसको हम लोगों को मानना पड़ेगा। अगर ये ढंग में, ये तरीके में आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हम लोगों से कंटेक्ट कीजिए, हम लोगों के पूरा से पूरा गाइड ले लीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। और ये एक्सरसाइज आपको अच्छा से अच्छा होगा तो आपका नेक का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। ये बोल के आज के लिए आज्ञा लेते हैं।